हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। निवेदिता जी चाहत और दिविचा को कमरे में छोड़कर नीचे आई तो रणदीप जी और लक्ष्य आपस में खड़े कुछ बातें कर रहे थे। वो लक्ष्य के पास आई और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उनके गाल पर रसीद कर दिया। उनके यूं थप्पड़ मारने से लक्ष्य हैरान रह गया और उसके साथ साथ उसके पिताजी रणदीप भी। मम्मा, लक्ष्य ने हैरानी से कहा। ये क्या किया आपने, उसने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा। निवेदिता जी ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। और तुमने क्या किया लक्ष्य? ये सुन लक्ष्य थोड़ी तेज आवाज में बोला, माँ आपको भी पता है कि ये करना कितना जरूरी था। और दूसरी तरफ देखने लगा। निवेदिता जी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उसे यहाँ लाने की कितनी ज़रूरत थी, पर कोई और तरीका भी आजमाया जा सकता था लक्ष्य। यूँ इस तरह उस बच्ची को लाकर तुमने उसे और ज़्यादा बेबस कर दिया है। पहले ही वो इतनी परेशानियों में थी और अब यहाँ आकर भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं होगा। इतना कहते कहते उनकी आँखों के किनारे भीगने लगे। लक्ष्य ने उनको दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा, मम्मा आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं कितना ख्याल करता हूँ उसका। उसे बेबस करना मेरी मजबूरी नहीं थी। अगर आज मैं उसे बेबस नहीं करता तो कल वो इस कदर बेबस हो जाती कि हम में से कोई भी उसे बचा नहीं पाता। ये सुन निवेदिता जी लक्ष्य के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने कौन सा ग्रहण लगा है मेरी बच्ची की जिंदगी पर, कब कब खुशियाँ आएंगी उसकी जिंदगी में, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, निवेदिता जी ने सिसकते हुए कहा। लक्ष्य ने उनको गले से लगाए हुए कहा, बस थोड़ा इंतज़ार और माँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सब ठीक कर देगा। और इतना कह वो उनसे अलग हो गया। रणदीप जी आगे आकर निवेदिता जी को पकड़ते हुए लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोले, अब तुम ऊपर जाओ, तुम भी आराम की ज़रूरत है, थक गए होंगे। लक्ष्य ने हामी भर दी और फिर ऊपर की तरफ चला गया। निवेदिता जी लक्ष्य को जाते हुए देखकर कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा ना दीप, लक्ष्य सब संभाल लेगा ना। रणदीप जी ने उनके कंधे पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, अपने बेटे और अपने संस्कार दोनों पर भरोसा रखिए दीदी, सब ठीक होगा। ये सुनकर निवेदिता जी ने गहरी सांस ली। वहीं ऊपर कमरे में दिविशा सोफे पर बैठी किसी सोच में गुम थी और चाहत बेड की दूसरी साइड बैठकर अपने टॉयज से खेल रही थी। शायद यही कारण था कि लक्ष्य की नज़र उस पर नहीं पड़ी। वो अंदर आया और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा, तभी उसने सोफे पर बैठी दिविशा की ओर देखा। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, लक्ष्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर इस बात पर दिविशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लक्ष्य ने फिर वही प्रश्न दोहराया, पर इस बार भी दिविशा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लक्ष्य को गुस्सा आ गया और उसने झुकते हुए दिविशा का जबड़ा पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? पर जैसे ही उसकी नज़र उसकी लाल आंखों पर गई, उसकी पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ गई। मैं सुनना ही नहीं चाहती तुम्हें, दिविशा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलना जारी रखा, और ना ही देखना चाहती हूँ, तुम जैसे हैवान के साथ रहने से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। ये सुनते ही लक्ष्य ने उसकी गर्दन से पकड़कर उसे अपने पास खींचा और गुस्से में बोला, मारना होता तो कब का मार दिया होता तुम्हें, मर तो तुम किसी भी हालात में नहीं सकती क्योंकि वो मुझे मंजूर नहीं है, तो आदत डाल लो मुझे सुनने की भी और देखने की भी। ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना कि मेरी बात ना मानने पर तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और इतना कह उसने वापस दिविशा को सोफे पर धक्का दे दिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।